नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चेतना और मेरे चैनल कुक विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बेसन के कढ़ी की रेसिपी। बेसन की कढ़ी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे बहुत से लोग राइस के साथ खाना पसंद करते हैं। राइस के साथ इसे खाने का मजा ही दोगुना हो जाता है और हमारे घर में जो चीजें अवेलेबल होती है उन्हीं से ये बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन की कढ़ी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन की टेस्टी कढ़ी। तो फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होंगी पकौड़ियाँ। और पकौड़ी बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी बेसन, जिसे हम बड़े बाउल में कर लेंगे। अब इसका एक पतला घोल बना लेना है हमें, स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। सॉरी, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हमें ध्यान रखना है इसमें लम्स ना पड़े और पानी एकदम से नहीं डालना है, वरना ये बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। देखिए, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैंने ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया था और दो हरी मिर्च है, थोड़ी सी हरी धनिया है। इन सभी चीजों को मैंने बारीक काट लिया है। तो ये सारा चीज हम बेसन में मिला देंगे। ये मैंने सभी चीजें मिला दी है और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये मैं आधा चम्मच के करीब नमक ले रही हूँ। अब इन सारी चीजों को हमें फिर से मिक्स कर लेना है। ये सभी चीज मिक्स हो गई है। तो चलिए अब इस पेस्ट की हम पकौड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था गरम होने के लिए, जो कि अच्छा गरम हो गया है। तो अब इसमें इस तरीके से ये पकौड़ियाँ डाल देंगे। आप अपने हिसाब से पकौड़ियाँ बना लीजिए। अगर आपको छोटी चाहिए तो आप छोटे साइज की बना लीजिए, बड़ी चाहिए तो थोड़ा बड़े साइज की बना लीजिए। मैं इस तरीके से बना रही हूँ। देखिए, ऐसे आपको सारे बेसन की पकौड़ियाँ बना लीजिए जो हमने पेस्ट बनाया था। एक बार में जितनी आ जाए आप उतनी डालकर फ्राई कर लीजिए। फ्लेम मीडियम ही रखना है। हाई करेंगे तो पकौड़ियाँ जल जाएंगी और धीमी करेंगे तो पकौड़ियाँ तेल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसलिए फ्लेम को मीडियम रखिए और मीडियम साइज में, मीडियम ही फ्लेम में बनाइए। देखिए, एक बार में मेरी इतनी पकौड़ियाँ आ गई हैं और ये होने भी लगी। देखिए, इसमें छेद छेद दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से पक रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। बहुत धीरे धीरे हमें ध्यान से इनको पलट देना है, वरना ये कढ़ाई में चिपक जाएंगी और आपस में भी चिपक सकती है। देखिए, मैंने सारी पकौड़ियाँ पलट दी हैं, दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम और लो करते हुए पकाइए, क्योंकि आप अपने हिसाब से पकाइएगा फ्लेम, क्योंकि ताकि जलना भी नहीं चाहिए इन्हें, कलर बेकार हो जाता है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी दोनों तरफ से ताकि कलर अच्छा आ जाए, बेसन भी अच्छे से पक जाए और उसके बाद इसको निकाल लूंगी। देखिए, पकौड़ियां अच्छी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और जो हमारा बचा हुआ बेसन है उसकी भी हम इसी तरह पकौड़ियां बना लेंगे। ये देखिए, पकौड़ियाँ बनकर एकदम तैयार हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अब कढ़ी बनाने के लिए हमें आगे की कुछ तैयारी करनी होगी, जिसके लिए मैंने लिया है एक बॉल और इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच बेसन। देखिए, ये इतना बड़ा चम्मच है, ये मैंने दो चम्मच बेसन इसमें डालो।
ये मैं 2 चम्मच बेसन इसमें डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालना है क्योंकि अब हम इसे पेस्ट नहीं बनाना है, पतला घोल बनाना है। तो मैंने ये इतना पानी डाल लिया है। अब इसे मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो बेसन का लम्स है वो ना रह जाए। तो मैंने देखिए इतना पतला घोल बना लिया है। अब हम इसके लिए थोड़ा मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, इसको भी मैं घोल कर एक पतला पेस्ट बना लूंगी। देखिए थोड़ा सा पानी डालकर हमें इस तरीके से इसे भिगाकर थोड़ी देर के लिए रखना है। तो चलिए कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटे चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटे चम्मच सरसों दाना, 1/2 चुटकी अच्छे से चटक जाएगा तभी हम 1 चुटकी इसमें हींग डालेंगे। हींग भी अच्छे से हो गया तो इसमें 4 हम सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं और साथ ही में डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता। सभी चीज अच्छे से चटक जाए इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मिर्च भी हल्की ब्राउन हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो मसाले का पेस्ट तैयार किया था ये हम डाल देंगे इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा हमें रोक कर ही डालना है क्योंकि हमने पकौड़ियों में भी नमक डाला है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा नमक कम ही डालेंगे और बाद में हमें कम लगेगा तो हम डाल लेंगे। इसे चलाते हुए हल्का भूनेंगे, जब तक इसमें तेल ना छूट जाए तब तक इसे लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स मसाला अच्छा भुन गया है। तो अब हम इसमें जो हमने बेसन का पतला घोल तैयार किया था वो डाल देंगे। ऐसे चलाते हुए डालेंगे ताकि बेसन जो नीचे बैठ गया है वो पूरा मिक्स होकर अच्छे से पानी में आ जाए और इसे हम ऐसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे वरना ये बेसन इनमें जमने लगेगा। तो ऐसे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और बराबर चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा उबाल आने की कंडीशन ना बन जाए, तब तक ऐसे हमें बराबर चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा देखने में कि ये तो बहुत ही पतला है, कढ़ी तो ऐसी नहीं होती है, पर आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा जब इसमें 1-2 उबाल आएगा तो ये एकदम गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी कढ़ी बनेगी। तो इस तरीके से हमें चलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स उबाल आ गया है और जो कढ़ी हमारी एकदम पतली लग रही थी वो देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई है। कितनी गाढ़ी हो गई है तो अब इसी कंडीशन पर हम इसमें डालेंगे। ये मैंने 1/2 कटोरी दही लिया है, इसे अच्छे से इस तरीके से फेंट लिया है ताकि इसमें जो लम्स होता है वो ना रहे। तो अब इस दही को भी हम कढ़ी में डाल देंगे और अच्छे से चलाते जाएंगे। देखिए दही डालते ही कढ़ी का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, कढ़ी एकदम लाइट कलर में आ रही है। देखिए कितनी अच्छा कलर आ रहा है। तो हमें थोड़ी देर और पकाना है इसको। देखिए इसमें अच्छा उबाल आ रहा है तो अब हम इसमें जो हमने पकौड़ियां बनाकर रखी थी वो डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, पकौड़ियां हमारी सॉफ्ट हो जाएं
हम इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे तेज आंच में। और कढ़ी बनकर रेडी है बिल्कुल। देखिए कढ़ी बनकर एकदम तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कढ़ी बनकर एकदम तैयार हो गई है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। देखिए फ्रेंड्स मैंने प्लेटिंग कर दी है। इसे चावल के साथ खाने से इसका मजा ही दुगना हो जाता है। बहुत से लोग इसे चावल के साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।